तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित यह रामेश्वरम मंदिर हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है। दोस्तों, इस मंदिर की खूबसूरती एवं कलाकृति देखने में काफी ज्यादा अचंभित करने वाली लगती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एंट्रेंस की ओर, जहां पर हम अंदर जाकर 22 कुंड में स्नान करेंगे। तो अभी हमें आते हुए भक्तगण दिखाई दे रहे हैं। और 3 बजे से मंदिर के खुलने का समय था, हम थोड़ा सा लेट हुए हैं। 3 बजे मंदिर खुल चुका है। बहुत तेज धूप है दोस्तों। मंदिर के खुलने का समय सुबह 4:30 बजे से दिन के 1 बजे तक होता है। उसके बाद शाम को 3 बजे से रात के 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो हम सभी लोग जा रहे हैं समुद्र में डुबकी लगाने। और दोस्तों, सामान को जमा करके अब हम सबसे पहले यहाँ स्थित मुख्य तीर्थ अग्नि तीर्थ में स्नान करने जा रहे हैं। श्रद्धालु सबसे पहले अग्नि तीर्थ में स्नान करते हैं, उसके बाद मंदिर में स्थित 22 तीर्थ में स्नान करते हैं। अच्छा बच्चों बताओ, ये कौन सा सागर है? अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, जल्दी बताओ। ये बंगाल की खाड़ी। हाँ, नमस्कारम। ज्यादा अंदर नहीं। प्रणव डुबकी लगाओ। हाँ, 1 2 3। बड़े अच्छे डुबकी ले रही हो। तो भाई इसको साइड रख लो, आज पुकू तू वहां कपड़े देखेगा। अग्नि तीर्थ में स्नान करके मानो हमारा रोम रोम भक्तिमय हो गया और यात्रा की थकान तो मानो छूमंतर हो गई। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर के अंदर मुख्य रूप से 2 लिंग देखे जा सकते हैं, जिसमें एक लिंग भगवान श्री राम एवं सीता के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे रामलिंगम के नाम से जाना जाता है। दूसरा हनुमान जी के द्वारा कैलाश से लाया गया था शिवलिंग विश्वलिंगम के नाम से जाना जाता है। हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम दर्शन करके आ गए हैं। अब हम आगे को जाएंगे क्योंकि हमारी ट्रेन है और हमें जल्दी जाना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हम लोग उसे हैं श्री सरवाना रेस्टोरेंट में, कौन सा नाम, हाँ, श्री सरवाना भवन में। और देखते हैं यहाँ पर क्या स्पेशल है। हाँ, और कुछ हल्का फुल्का सा खाना खाकर हम आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, भारत में है 4 धाम। उत्तर में है बद्रीनाथ धाम जो कि उत्तराखंड में है, दक्षिण में है रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम में है, और
पश्चिम में है द्वारिका धाम जो कि गुजरात में स्थित है, और पूरब में है जगन्नाथ पुरी जो कि उड़ीसा में स्थित है। अच्छा, तो आप लोगों ने आज 22 तीर्थ में स्नान किया, तो क्या आप बता सकते हो कि जो 22 तीर्थ थे उनके नाम क्या क्या थे? हाँ कोई बात नहीं, जितने के नाम याद है बताओ। 22 के याद नहीं आ रहे थे, कोई बात नहीं। मैं कुछ बोलती। हाँ कुछ कुछ। गंगा तीर्थ, यमुना तीर्थ, सरस्वती तीर्थ और बस तीन ही याद है। अरे हाँ, वो गायत्री तीर्थ, सावित्री तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, नीला तीर्थ, नाला तीर्थ, कावच तीर्थ, माधव तीर्थ भी था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास बुक है, हम उसमें से पढ़ के फिर से हम तीन ही आने, गंगा यमुना तीर्थ, महालक्ष्मी तीर्थ, शंख तीर्थ, शक्र तीर्थ है ना। मैंने उसके नाम नहीं देखे थे, मैंने उसके नाम नहीं देखे थे। चलो ठीक है, जितना भी याद है। ओके, मसाला डोसा, बढ़िया, मसाला डोसा।